सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के तीन सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड पर। तो आइए जानते हैं ये तीन वर्ड कौन कौन से हैं। पहला जो वर्ड है वो फ्रीज, दूसरा जो वर्ड है वो फ्लॉट और तीसरा जो वर्ड है वो स्लाइड। ऑलराइट, अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और इन तीन वर्ड्स का मतलब नहीं जानते हैं तो आप जो है अपने ड्रीम कॉलेज में ड्रीम ब्रांच नहीं पा सकते हैं। ऑलराइट, आपका जो जोसा काउंसलिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है जिसके वजह से आप जो है ड्रीम कॉलेज पर नहीं पहुंच सकते। तो आइए जानते हैं कि इन तीन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो पहला जो वर्ड है वो है आपका फ्रीज। ऑलराइट, तो आइए जानते हैं फ्रीज का क्या मतलब है। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर पे कॉलेजेस और ब्रांच को अरेंज किया, ठीक है, और पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, आपको अगर कोई सीट अलॉट हुई जो कि आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के नीचे भाग में जो कॉलेजेस है उनमें से एक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस टाइम पे अगर फ्रीज कर देते हैं, इट मींस आप किसी भी सीट को आप फ्रीज करते हैं, इट मींस यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट कॉलेज एंड विद दैट ब्रांच, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग अगेन। इसका मतलब यही है कि आपको वही ब्रांच चाहिए था, वही कॉलेज चाहिए था और हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू टेक दैट ब्रांच एंड दैट कॉलेज। लेकिन इन माई ओपिनियन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्रीज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए सेफ साइड नहीं है। और आपको क्या करना चाहिए, वो फ्लोट करना चाहिए, ताकि फ्लोट में क्या है, अगर आप फ्लोट करते हैं और आपको नीचे के ब्रांचेज में, नीचे के कॉलेजेस में, नीचे का ब्रांचेज आपको मिली है, तो आप क्या होता है ना कि आप सीट भी अपना रख सकते हैं। और फ्लोट का मतलब हो गया कि आप अलोंग विद दैट सीट आई अगेन वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग, मीन्स को उसके साथ साथ उसको रखते हुए मैं और पार्टिसिपेट करना चाहता हूं टू अपग्रेड माय ब्रांच एंड कॉलेज। इन माय ओपिनियन आपको जो है फ्लोट करना चाहिए सो दैट आपका जो चांसेस ऑफ गेटिंग गुड कॉलेज एंड गुड ब्रांच बना रहे एंड आप पार्टिसिपेट करते रहें। ऑलराइट, एंड देन आफ्टर थर्ड जो वर्ड है वो है स्लाइड। ऑलराइट, तो स्लाइड का क्या मतलब है, स्लाइड का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाती है, ऑलराइट, सपोज कीजिए एनआईटी जमशेदपुर जो कि आप नीचे आप चॉइस फिलिंग में रखे हैं उसमें से सबसे नीचे ब्रांच आपको मिल गया हो, ऑलराइट, माइनिंग ब्रांच मिल गया हो और आप अगर स्लाइड कर देते हैं, तो स्लाइड का मतलब ये हुआ कि आपको जो वो कॉलेज है वो आपको पसंद है, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट कॉलेज, बट यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच इन द सेम कॉलेज, मीन्स कि सेम कॉलेज में आप अपना ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको स्लाइड बटन पे क्लिक करना चाहिए और आपको स्लाइड करना चाहिए। तो यही था इन तीन वर्ड्स का मतलब। और सारी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किन डाउट्स पे चाहिए। ऑलराइट, मैं सारी डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।